17 साल की उम्र में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शैलेश को उसके दोस्तों ने जब उठाया, तब वो खुशी का पल उन्हें हमेशा के लिए कभी ना ठीक होने वाला दर्द दे गया। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, जिससे उनका आत्मविश्वास भी टूटने लगा। उनकी रिहैबिलिटेशन मैरी वर्गीज इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन विल्लौर में हुई, जिसके पश्चात उन्होंने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा और अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। आज शैलेश स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ भी एक सफल जीवन जीने में इतने निपुण हो गए हैं कि चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में कितने ही लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने मन में ठान लिया है कि उन्होंने जो दर्द सहे हैं, जो पीड़ा उठाई है, वो किसी और को नहीं सहने देंगे। वे भारत के कई शहरों में जाकर अपने जैसे लोगों को एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं ओडिशा के कमल कांता। 2016 में शैलेश जब इनसे मिले तो कमल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण जीने की चाह को छोड़ चुके थे। शैलेश ने उन्हें अपनी परिस्थितियों को अपनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज कमल व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलते हैं और 12 घंटे लगातार व्हीलचेयर चलाकर 88 किलोमीटर कवर करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। हम आशा करते हैं कि शैलेश को अपने हर मकसद में कामयाबी मिलेगी।